हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग मैथ की पेडागोजी में चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मैथ की पेडागोजी के जो है 5 चैप्टर को जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन है वो हमारा है कि जो मैथमेटिक्स की टीचिंग है, जो गणित का जो टीचिंग की जाती है, उसमें आने वाली समस्याएँ क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, क्यों मैथ को टफ माना जाता है, क्या ऐसे कारण है, तो सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो मैथ की पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अच्छे से देखिएगा क्लास को, जुड़े रहिए लास्ट तक, और सभी क्लासों को जो है सीक्वेंस से देखिए, क्योंकि सभी क्लासें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जब आज की क्लास जो है हमारी चैप्टर 6, ये लास्ट वाला जो चैप्टर 5 था उससे रिलेटेड, तो सभी क्लासें रिलेटेड है। सभी को सीक्वेंस में देख लीजिए और जो कंटेंट है वो मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इससे आपका पेपर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित शिक्षण की समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। गणित को सीखते व सिखाते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए छात्रों में रुचि उत्पन्न करना शिक्षक का प्रमुख कार्य है। मतलब हम जो टीचर हैं तो हमारा काम है कि जो हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा हमारा पहला काम क्या रहेगा कि उनको हम मोटिवेट कर दें, उनके अंदर इंटरेस्ट को जगा दें, जिससे वो बच्चों की जो है आदि तो प्रॉब्लम इसी प्रकार से ही दूर हो जाएगी। चलिए अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं कौन कौन सी समस्याएँ हैं। सबसे पहला, छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा ये बताइए, अगर बच्चे हैं, अगर वो मेंटली फिजिकली हेल्दी नहीं होंगे तो वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा देर तक कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब ध्यान नहीं लगा पाएंगे, नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा। किसका? ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो उनकी जो टीचिंग है, जो मतलब जो लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे गणित की समस्या से निजात पाई जा सके। क्योंकि गणित को जो है एक टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा लंबा टाइम देना पड़ता है। अब जो बच्चे अस्वस्थ होंगे तो वो बहुत जल्दी थक जाएंगे, जिससे कारण जो है मैथमेटिक्स की टीचिंग है वो प्रभावित होती है। सेकंड क्या है, बस आप मेन मेन हेडिंग ध्यान रखिए कि छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है, और उसमें कोई ऐसी चीज़ समझने वाली है ही नहीं, ठीक है। सेकंड, गणित शिक्षण का समय व अवधि। अब मतलब गणित को कितने समय तक पढ़ाना चाहिए, कब पढ़ाना चाहिए, तो ये लिखा है कि टाइम टेबल में, जैसे हमारे स्कूल में जो टाइम टेबल होता है तो उसमें जो जो इंटरवल से पहले वाले जो पीरियड्स हैं, ठीक है, उनमें मैथ को पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि मैथ जो है टफ सब्जेक्ट होता है, शुरू में बच्चों में थके हुए भी नहीं होते, मोटिवेट भी ज़्यादा होते, तो पहले जो टाइम टेबल में मैथ को पढ़ाया जाना चाहिए। और ठीक से टाइम हो कि 30 मिनट ही पढ़ाया जाएगा या 35 मिनट ही पढ़ाया जाएगा, इसके ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर बच्चों का मन नहीं लगता है, वो शारीरिक रूप से थक जाते हैं और मानसिक रूप से भी ऊब जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो अधिक समय तक गणित को नहीं पढ़ाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या है, अध्यापक को गणित विषय का ज्ञान होना। अब मान लीजिए जो आपने मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए टीचर रखा बच्चों के लिए, अब उसको ही अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो आर्ट साइड का दे दिया गया उसको 10th लेवल का मैथ पढ़ाने के लिए, तो वो किस प्रकार से मैथ सिखाएगा, वो सिखा नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको अपने जो सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है। तो अध्यापक को भी अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, लैंगिक भेदभाव रहित। अब जो टीचर है जो उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ऐसा तो नहीं वो लैंगिक पक्षपात करता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है कि जो लड़की है, अच्छा अच्छा ठीक तुम नहीं मैथ सीख पाओगी, इस तरह के सेंटेंस बोलता हो, या लड़कों को ज़्यादा प्रीफर करता हो, कुछ भी हो सकता है। तो लैंगिक भेदभाव रहे तो उसका व्यवहार होना चाहिए, और उसके अंदर एक धारणा होनी चाहिए टीचर के अंदर। कौन सी धारणा होनी चाहिए? NCERT 2005 के अनुसार कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, बच्चों में कमी नहीं है, सिखाने में कमी है, ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, इस प्रकार की धारणा होनी चाहिए टीचर के अंदर, इस प्रकार का उसका बिहेवियर होना चाहिए सभी बच्चों के।
नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, बाद में क्वेश्चन भी करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। शिक्षक की शिक्षण विधि, अब शिक्षक तो अपनी जगह पर सही है, उसको ज्ञान भी है, लेकिन अगर उसकी शिक्षण विधि जो टीचिंग मेथड है, अगर वो ही कहीं पर गलती है, कमी कर रहा है, तब भी पढ़ाने में जो है बच्चों को सीखने में कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसे खेल विधि से शिक्षक को खेल विधि से पढ़ाना चाहिए, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग करके बच्चों को सिखाना चाहिए, निरीक्षण द्वारा सिखाना, बच्चों की ऑब्जर्वेशन करें और बच्चों को सीखने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें। शिक्षक को बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए भाई, रुचि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंटरेस्ट। बच्चों को उस प्रकार से पढ़ाओ जिसमें उनकी रुचि ज़्यादा है, वो चीज़ें सबसे पहले पढ़ाओ, फिर तो जिनमें रुचि कम है वो धीरे 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 पढ़ाइए। तो रुचि के अनुसार बच्चों की पढ़ाना चाहिए। सिखाने की नई नई विधियों का, अब टीचर को है इनोवेशन करता है रहना चाहिए, अपने आप में एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, एक इनोवेटिव उसका बिहेवियर होना चाहिए कि कौन से मेथड में अप्लाई करो जिससे बच्चों को हमारे अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। सिक्स क्या, व्यक्ति विभिन्नता के ज्ञान की समस्या। अगर मान लीजिए अगर अध्यापक को जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसकी नॉलेज भी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे अपने आप में विशिष्ट होता है, सभी बच्चे अपने प्रकार से अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, क्योंकि सभी की बुद्धि और रुचि योग्यता जो होती है वो सभी की अलग अलग होती है, यही तो व्यक्ति विभिन्नता है। अध्यापक को कक्षा में मेधावी जो बहुत ज़्यादा होशियार हैं, टैलेंटेड, मीडियम और पढ़ने में कमज़ोर जो स्लो परफॉर्मर है, सभी बच्चों को साथ लेकर में चलना चाहिए। मतलब कि अगर एक ये क्लासरूम है इसमें एक यहाँ पर मेधावी बैठे हैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, ये मीडियम स्टूडेंट है जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और थोड़े से ये हैं बेचारे जो स्लो परफॉर्मर है, तो एज ए सर्किल पूरी क्लास को टीचर को लेकर चलना सभी के समझ में आए, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। आगे क्या है, पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या। अब जो पाठ्यक्रम जो डिजाइन किया गया इसकी भी एक मेन प्रॉब्लम है, क्यों, जो पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाए तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों को, बाल केंद्रता, चाइल्ड सेंटर्ड, जो सिलेबस लिखा जा रहा है, जो पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखा जाए, कि बच्चों की योग्यता को ध्यान में रखा जाए, बाल केंद्रता का ध्यान रखा जाए, व्यक्ति विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक बच्चा स्वयं में विशिष्ट होता है, सभी बच्चे अपने अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। सरल से कठिन की ओर, जो पुस्तक में ज्ञान हो, जो बुक में ज्ञान हो, नॉलेज हो, वो जो इजी चैप्टर हो वो पहले हो और बाद में टफ चैप्टर हो, तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए सरल से कठिन की ओर। तथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सिलेबस है वो वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए, ऐसा तो आप नहीं कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिसके बारे में वो कभी भी उन्होंने देखा ही नहीं और जानते ही नहीं, तो सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पाठ्यक्रम के लिए, बाल केंद्रता, व्यक्ति भिन्नताएँ, सरल से कठिन की ओर और वास्तविक जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं कि निम्नलिखित में से गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है, प्राथमिक स्तर पर या जूनियर स्तर पर, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, 7 पॉइंट हो गए हमारे, बस आज की क्लास बहुत ज़्यादा छोटी है, बस समझने वाली है, इसके बाद क्वेश्चन करें। अगर आप लोग, मैं केवल वही चीज़ें यहाँ पर लिखता हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट चाहिए, वैसे और तो मैं इतना शॉर्ट करके नोट लिखता हूँ, लेकिन समझाने पर, आप लोग समझने पर ध्यान दीजिए कि बस मुझे समझ में आए। क्वेश्चन तो सैकड़ों बन सकते हैं, लाखों बन सकते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर आएगी, तो कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको कर देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, ठीक है। गणित विषय के प्रति सही दृष्टिकोण का अभाव, अब मान लीजिए जो मैथमेटिक्स के प्रति अगर अप्रोच ही सोसाइटी में गलत फैली हुई है, जो धारणा है उसको सही करना है, कैसे, शिक्षक समाज में बच्चों में गणित विषय के प्रति सकारात्मक सोच की कमी, सकारात्मक सोच की कमी है, मतलब नकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोच क्या होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, गणित कोई कठिन नहीं है, बस सिखाने वाला ठीक होना चाहिए और हमको पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा। अब ये सेंटेंस देखिए कितने निगेटिव लिखे हैं,
मैं गणित नहीं पढ़ सकती, तुम गणित में फेल हो जाएगी। अक्सर टीचर कहते हैं, अरे नहीं, तुम तो गणित में फेल ही हो जाओगे। और जो भी है, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, उन्होंने कहा नहीं, मैं गणित नहीं पढ़ूंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो जी क्या है, मेरे अंदर कहीं निगेटिविटी भरी हुई है गणित के प्रति, तभी तो मैं इस टाइप के सेंटेंस को यूज कर रहा हूँ। तो इनको नहीं कर, इस सोच से हमको बाहर निकालना है। इस प्रकार की नकारात्मक सोच से बच्चों को बाहर निकालना। और क्या चीज को आपको रखना है ध्यान, एनसीएफ 2005 के अनुसार, कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, बस, विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि लड़कियां अक्सर मैथ में कमजोर होती है, तो ये क्या है, जेंडर बायस है? ऐसा कुछ भी नहीं। दसवीं हमारी क्या है, आधुनिक शिक्षण विधियों की कमी। अब जो टीचर है उसको इनोवेशन करते रहना चाहिए, नई नई विधियों को अप्लाई करना चाहिए। जैसे स्मार्ट बोर्ड आ गया, किसी चीज़ को दिखाना है, इसको ड्रा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, कोई वीडियो क्लिप दिखानी है, उसके लिए स्मार्ट बोर्ड का यूज कर लिया, या किसी भी प्रकार की नए न्यू मेथड्स का यूज करना चाहिए। खेल विधि जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट विधि है, इंक्वायरी विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, जिसे कर लर्निंग बाय डूइंग है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, इन चीज़ों को सिखाइए। एक बार ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए बड़ी बड़ी करके, एनसीएम 2005 के अनुसार लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, करके सीखने को कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी रिप्लेस नहीं कर सकती, ना कि वीडियो सिमुलेशन। अब मान लीजिए एक टॉपिक पर अगर आपने बच्चे को वीडियो दिखा दिए, उसी टॉपिक को अगर बच्चे ने लर्निंग बाय डूइंग किया, करके सीखा, अपने हाथ से सीखा, तो ये बेस्ट है लर्निंग बाय डूइंग, इसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। ऐसी डायरेक्ट एनसीएफ 2005 में लिखा। हम लोग एक बार अभी एनसीएफ को भी बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोर देन 70 होगा हमारे लिए। क्वेश्चन कर लेते हैं, गणित में दुश्चिंतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं? ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल मैंने वही हिंदी लिख दी। लिंग, परीक्षा पद्धति, विषय की प्रकृति, पाठ्यक्रम। मतलब जो मैथमेटिक्स है, दुश्चिंतता का मतलब प्रॉब्लम, किससे एक घटक ऐसा है, एक ऐसा फैक्टर है जो रिलेटेड नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं बायसनेस है, भेदभाव दिखाया गया, आप बताइए। पाठ्यक्रम तो सभी के लिए सेम ही होता है, विषय की प्रकृति नेचर जैसा है सभी के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कुछ भी हो। परीक्षा पद्धति, अगर लिखित परीक्षा हो रही तो सभी के लिए हो रही है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, किसी भी प्रकार की हो, जो इसका आंसर जो है वो आपको भी पता होगा, लिंग है, ठीक है, जो जेंडर है वो नहीं है जेंडर। दुश्चिंतता का मतलब होता है इमोशनली परेशान होना, ठीक है, और प्रॉब्लमेटिक होना, इसे कहते हैं दुश्चिंतता। घटक कौन उत्तरदायी नहीं होगा? लिंग नहीं होगा, क्योंकि लिंग में जो, अगर हम लिंग का यूज करेंगे तो जो लिंग में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई।